करनाल के बलहेड़ा गांव में एक व्यक्ति की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि आज हजारों की संख्या में ग्रामीण परिजनों के साथ रोष स्वरूप करनाल पहुंचे। बता दें कि करनाल के बलहेड़ा गांव में बीती 27 नवंबर को शादी समारोह से लौट रहे मासूक नाम के व्यक्ति की दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मिलकर करनाल के जिला सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी धरने पर मौजूद रही। मासूक नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने जिला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि मासूक की जिन लोगों ने हत्या की है उन्हें पुलिस ने 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक गिरफ्तार नहीं किया। केवल एक आरोपी को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या करने वाले आरोपी अभी भी उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस उन्हें आज से गिरफ्तार नहीं कर सकी। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी से मुलाकात की। परिजनों ने कहा कि अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल एसपी ने ग्रामीणों व परिजनों को आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा आखिर कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। बताते चले कि करनाल के बलहेड़ा गांव में एक व्यक्ति की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज हजारों की संख्या में ग्रामीण परिजनों के साथ रोष स्वरूप करनाल पहुंचे। यहां पर लघु सचिवालय के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तो फिलहाल तो मिला है, बाकी अगर कोई भी बाद में गिरफ्तारी ना आया, किसी को काम ना हो तो फिर दोबारा मान साहब जैसे कहेंगे। तो मामला क्या था वैसे? पूरा मामला क्या है? पूरा तो हमारा चाचा लगता था मासूम, उसके गोली मार दी। 2-2.5 महीने हो गए भाई साहब, और 8-10 बार मिल भी लिए हुए, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं। जो हमने पकड़ के एक दिया था वो बंदा ही गिरफ्तारी। तो आप धरना प्रदर्शन किया था? जी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाजिद। किन के खिलाफ है मामला दर्ज? कितने आदमी के खिलाफ है? तीन आदमी। जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे और हम इस बात से आज एसपी साहब की बात से संतुष्ट हैं। अगर नहीं गिरफ्तार होगा तो दोबारा फिर ये ऑन द रोड तो रही गई हमारा। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ लड़के ने? देखिए बोलिए, हमारे आदरणीय मान साहब ने जो बातें कही हैं, ये उसका भाई है, ये बेटा है मासूक का। मासूक एक बहुत ही सामाजिक आदमी था, वो 36 बिरादरी का एक चहेता आदमी था, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सरेआम गुंडो तत्वों ने सरेआम 36 बिरादरी के सामने और दिन दहाड़े मासूक भाई का एक मर्डर किया है, मैं समझता हूँ इससे घिनौना अपराध और इससे गंभीर अपराध जाने समाज में हो नहीं सकता। कब कब हुई ये? तकरीबन 27 तारीख की बात है, 27/11 की, 27 नवंबर की 2020 की। आज किस लिए पहुंचे हैं? आज इसलिए पहुंचे हैं मान साहब के नेतृत्व में और 36 बिरादरी यहाँ मौजूद हैं कि हम आदरणीय शासन और प्रशासन से एक उम्मीद करते हैं कि हमें दूध का दूध और पानी का पानी साफ हर हाल में मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है, मैं बिल्कुल पड़ोस के गाँव का हूँ और मेरा मासूक के परिवार से एक खून का रिश्ता हमेशा से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.